आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। सच तो सच है, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं शिवानी धाकड़। आप देख रहे हैं लाखों दर्शकों की पसंद MP7 न्यूज़ वेब न्यूज़ एंड यूट्यूब न्यूज़ चैनल। देखिए प्रादेशिक व राष्ट्रीय स्तर की ताज़ा खबरें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। आज शाम को थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 3 नवंबर को होगी वोटिंग और 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हो रहे हैं उपचुनाव। छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर होना है उपचुनाव। ग्वालियर, बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी के प्रचार करने पर रोक। चुनाव आयोग ने इमरती देवी पर 24 घंटे के लिए लगाई रोक। आज प्रचार नहीं कर पाएगी इमरती देवी। आपत्तिजनक बयानों को लेकर कांग्रेस ने की थी शिकायत। पूर्व CM कमलनाथ और उनके परिवार पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। रायपुर, 8 सूत्री मांगों को लेकर बीजेपी आज से करेगी खेल सत्याग्रह। नवापरा के पिपरोद में पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू की मौजूदगी में खेल सत्याग्रह। किसान मोर्चा और बीजेपी नेता किसानों के साथ लगाएंगे चौपाल। खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, किसानों को एक मुश्त बोनस की भी मांग। ग्वालियर, बीजेपी के रोड शो में देर रात तक DJ बजाने को लेकर मामला दर्ज। रात 10 बजे के बाद भी DJ बजाने को लेकर दर्ज किया गया मामला। हजीरा और ग्वालियर थाने में बीजेपी समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज। कांग्रेस ने रिटर्निंग ऑफिसर से की थी शिकायत। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस आज। किसानों को राज्योत्सव पर बड़ा तोहफा देंगे CM। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त होगी जमा। 18 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में जमा होगी तीसरी किस्त। PM मोदी बोले, पहले चरण में भारी मतदान किया गया। पहले चरण में NDA ने बाजी मारी। फिर से बनेगी NDA की सरकार। नीतीश सरकार ने दी लोगों को नई सुविधाएं। बेटियां बिना डरे सपने पूरे कर रही हैं। जंगल राज के युवराज को सभी देख रहे हैं। कांग्रेस भी सिर्फ अपने परिवार तक सिमटी। नीतीश के परिवार का कोई भी राजनीति में नहीं। मोदी के परिवार का भी कोई राजनीति में नहीं है। विपक्ष को चुनाव में गरीबों की याद आई। बिहार में निवेश से नए अवसर बने। नक्सलवाद को हवा देने वाले निवेश विरोधी। जंगल राज वालों से बिहार में भ्रष्टाचार। PM मोदी ने कहा, अराजकता वालों ने बिहार को क्या दिया। NDA ने बीमारी से बिहार को बचाया। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम। CM बघेल ने कहा, प्रदेश सरकार ने किसानों को उन्नत बनाया। किसानों के लिए हमारे प्रयास रंग लाए। राज्योत्सव पर बोले राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को बधाई और शुभकामनाएं। शहर की नींव गांव है, गांव की नींव है किसान और मजदूर। हमें छोटे दुकानदारों, किसानों और गरीबों की रक्षा करनी चाहिए। किसानों और मजदूरों की रक्षा करने से देश मजबूत होगा। देश के युवा देश की नींव है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा।